उन्होंने जैसा बिजली विभाग ने कहा मीटर भी अपने बाहर नहीं लगवा दिए, तारें भी बदलवा ली, बिल भी पूरे भरने शुरू कर दिए। कौन है? इसलिए भाइयों बहनों, हमने यहां हर प्रकार के काम, हमें यहाँ के किसानों की समस्याओं का भी पता है। किसानों के यानी जब सफेद मक्खी की जब अटैक हुआ था कपास नरमा पर, वो याद है हमको, 700 करोड़ रुपए का मुआवजा केवल सिरसा जिले में हमने दिया था भाइयों बहनों। तो इसलिए यहाँ की हर समस्या इसका समाधान करना ये हमारा काम है, या के विकास के काम हो या किसी भी वर्ग के, वो चाहे किसान हो, दुकानदार हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे खिलाड़ी हो, चाहे कोई भी वर्ग हो, हर एक वर्ग की जो समस्या हमारे पास आती है ईमानदारी से उसको सॉल्व करते हैं। इसलिए हम तो आज आपके पास आए हैं कि अगर हमारी सरकार आपको ठीक लगी हो, पहले बताओ हमारी सरकार के कामकाज से संतुष्ट है? संतुष्ट है तो फिर अगले 5 साल के लिए इस बार सिरसा जिला एकदम उल्टा करके और सब 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी को देने का मन आप लोग बनाएंगे? क्योंकि आप देख रहे हैं जिस प्रकार का हाल बाकी सब पार्टियों में चल रहा है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, रोज रोज की खबरें आपको आ जाती हैं। हमारे इस यात्रा का इतना बड़ा समर्थन हजारों लोग जगह जगह कर रहे हैं, इसमें से सब विपक्षियों की जमीन पैरों के नीचे से खिसक गई है। अब सब घबराए फिरते हैं, इससे गठबंधन करो, उससे गठबंधन करो, ये जोड़ तोड़ करो, अपने नेता को हटाओ, लीडर दूसरा बनाओ, अध्यक्ष दूसरा बनाओ। अरे युद्ध के मैदान में अगर ये सेनापति घोड़े बदलते रहोगे तो क्या भला करोगे किसी का? कोई भला नहीं कर सकते आप लोग। इसलिए भाई बहनों, हम आपसे आशीर्वाद मांगने आए हैं कि अगले 5 साल के लिए आप हमको आशीर्वाद दीजिए, फिर आपको जैसे राजनीतिक पार्टियां संरक्षण दे करके और गले की फांस बनते थे, कोई अपराधी को राजनीतिक संरक्षण नहीं मिलेगा, हरेक की सुरक्षा करना ये हमारा काम है भाइयों बहनों। इसलिए काम काज के यानी सिस्टम को बदलने का काम जो किया है वो लगातार करते रहेंगे। आपसे वादा करते हैं कि पहले की तुलना में ज्यादा डबल काम करेंगे, आपके हर काम की हम चिंता करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैं आप लोगों की तरफ से विश्वास दिलाती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को कि जितना आप लोगों ने लोकसभा में इतना जबरदस्त मैंडेट दिया, उसी तरह से आप विधानसभा में फिर से जबरदस्त